तो शंका है, मैं खड़े होकर सुनता हूँ, आप बोलिए। राम रहीम को भारत की अदालत ने सजा दे रखी। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम विलास शर्मा गुरुवार को आदमपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए हिसार पहुंचे। पत्रकार वार्ता में राम रहीम, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और ओपी चौटाला के सवालों पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। इतना ही नहीं, राम रहीम के सवाल पर पूर्व शिक्षा मंत्री भड़क गए और कुर्सी से खड़े हो गए। राम विलास 3 बार हरियाणा के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इस बीच पत्रकारों ने सवाल किया कि दुष्कर्म के दोषी राम रहीम से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मिलते हैं। राम विलास शर्मा ने जवाब दिया कि राम रहीम तो जेल में है, उन्हें बताया गया कि राम रहीम पैरोल पर है। इसके बाद राम विलास ने कहा कि अपनी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है। तब पत्रकार पर भड़कते हुए बोले, पत्रकार रामचंद्र मेरे मित्र थे, मैंने उनके कंधे को अर्थी दी थी। अभी तो जेल में है वो, ऐसा है ना बंधु, और ये तो अपने नहीं, वो तो है पर अपनी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है उसके बारे में। तो क्या देखिए, आप लड़ाई करना चाहते हैं तो वो जगह दूसरी है, परंतु मैं उस, वो भी इतना इम्पोर्टेंट पत्रकार है जितना आप है। नहीं, आपकी श्रद्धा उस रामचंद्र जो पत्रकार जिसकी हत्या हुई है वो मेरा मित्र था। परमानंद गोयल की हत्या कैथल में हुई, किस आदमी के कहने से हुई? परमानंद गोयल की अर्थी को मैंने कंधा दिया था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए और बोले कि राम रहीम को अदालत ने सजा दे रखी है, अगर आप लोग लड़ाई करना चाहते हैं तो वो दूसरी जगह है। तो शंका है, मैं खड़े होकर सुनता हूँ, आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप राम रहीम के बारे में कहना चाहते हैं, राम रहीम को भारत की अदालत ने सजा दे रखी है, अब उस पर हमारा और आपका क्या सवाल सुनेंगे? इसके बाद रामविलास ने सवाल का गोलमोल जवाब दिया और कहा कि कानूनी तौर पर अपराध किया है वो जेल में है। वहीं इस दौरान विलास शर्मा ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इटालियन परिवार हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहता है, कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। हमारी पार्टी ने यात्राएं शुरू की थी, राहुल गांधी अपनी यात्रा में कन्याकुमारी में एक पादरी से मिलते हैं जो कि धर्मांतरण करवाने का सबसे बड़ा पाखंडी है, उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल के परिवार की प्रशंसा की और कांग्रेस नेता व गांधी परिवार पर तीखे हमले भी किए। अब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से और वो उस पादरी से मिलते हैं जो पादरी के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं कि ये धर्मांतरण करवाने का सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है, ये हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।